नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोतवाली देहात पे मुकदमा अपराध संख्या 602/23, धारा 419, 420, 467, 471, 120 BIPC व 3/9 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक कैंडिडेट ऑलरेडी हमने जो उसमें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो फर्जी तरीके से एग्जाम दे रहा था। इसी में एक और वांछित अभियुक्त राजकुमार उर्फ पंडित पुत्र रमेश चंद निवासी थाना इगलास जनपद अलीगढ़ को अरेस्ट किया हमने, और इसके पूछताछ के दौरान जो है अंतर जनपदीय गैंग का जो है खुलासा हुआ है। कुल 11 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। राजकुमार उर्फ पंडित थाना इगलास जनपद अलीगढ़, गौरव कुमार पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम हाजियापुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ़, सर्वेश कुमार थाना राया जनपद मथुरा, अतुल थाना सुरीर जनपद मथुरा, शिवम पाठक थाना इगलास जनपद अलीगढ़, नवनीत अग्रवाल थाना इगलास जनपद अलीगढ़, सोनू थाना गोंडा जनपद अलीगढ़, गजेंद्र सिंह थाना गोंडा जनपद अलीगढ़, रोहित कुमार थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस, कुलदीप थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस और पवन पुत्र तुलाराम निवासी गजू थाना राया जनपद मथुरा। इसमें मुख्य रूप से जो है राजकुमार पंडित जो है वो सर्वेश गजेंद्र और नवनीत अग्रवाल के माध्यम से कैंडिडेट जो है इकट्ठा करते थे, और इन कैंडिडेट्स के जो एडमिट कार्ड थे उनको जो है इसमें शिवम पाठक जो है उस एडमिट कार्ड को लेकर जो जिस कैंडिडेट की फ़ोटो चस्पा रहती थी उस एडमिट कार्ड पर, उसको फर्जी तरीके से दूसरे साल्वर का जो है फोटो चस्पा करता था और उसका फर्जी आधार कार्ड तैयार करता था। उसके पश्चात इसमें गौरव कुमार, अतुल और सोनू ये ऊपर की सेटिंग करते थे सेंटर्स के साथ, और इसमें जो रोहित कुलदीप और कौन है कैंडिडेट्स हैं तो ये पैसा लेकर जो है इन कैंडिडेट्स की जो है दूसरे कैंडिडेट्स को बैठाकर परीक्षा पास कराते थे। इनके पास से जो है कुल बरामदगी जो है वो इस प्रकार है, 37 एडमिट कार्ड हैं जो पुलिस भर्ती बोर्ड के पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर 2022 के कैंडिडेट हैं, 7 एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुए इनके पास से, 11 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 1 थंब स्कैनर, 4500 रुपये नकद, 2 मोहर, 1 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। इनमें से अभियुक्त राजकुमार पंडित का भी आपराधिक इतिहास इसके पहले रहा है, अलीगढ़ और आगरा से ये जेल जा चुका है, और हरियाणा में जो BSF GD की जो परीक्षा हुई है उसमें ये वांछित है, 2 मुकदमे में हरियाणा से ये वांछित है। इसके अलावा गौरव, सोनू, सर्वेश, शिवम, अतुल, गजेंद्र और नवनीत अग्रवाल का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात, उप निरीक्षक शरद कुमार, उप निरीक्षक राहुल कौशिक और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का। सर, जिस सेंटर में ये पर्चा दिलवाते थे सेंटर? नहीं, सेंटर से कोई गिरफ्तार नहीं, एक्चुअली ये जो फर्जी आधार कार्ड बनाते थे और फर्जी जो प्रवेश पत्र बनाते थे उसके माध्यम से ये कैंडिडेट की एंट्री कराते थे। तो सर लगभग कितने पैसे लेकर के परीक्षा पास करा गए? तकरीबन ये शुरुआत में जो है 2 लाख से लेके 6 लाख तक, जब फाइनल सिलेक्शन तक ये इतनी धनराशि की उगाही करते थे। सर ये यूपी को जाते थे? हाँ, हम आगामी जो परीक्षा होने वाली है 17 और 18 तारीख की, तो उसमें हमने अपनी टीम लगा रखी है, सभी जहाँ जहाँ हमारे परीक्षा होने वाले हैं उस सेंटर्स के आसपास के क्षेत्रों की निगरानी रख रहे हैं हम। ऐसे जो साल्वर गैंग जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से रहा हो इस पूरे जनपद और आसपास का, उनको हम अपनी निगरानी में रखे हैं ताकि हम परीक्षा को सही ढंग से सकुशल संपन्न करा सकें। कितने लोगों को शिकायत? ये कैंडिडेट की संख्या लगभग ज़्यादा है इसमें, क्योंकि पहले भी ये कई जगह से मुकदमे में जेल गए हुए हैं, तो जो पूछताछ में एग्जैक्ट नहीं, लेकिन जो इसमें हमारे जो 37 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं ये लगभग 37 कैंडिडेट इनके संपर्क में थे।